अब ये लेफ्ट राइट जो है ना, हाँ ये असल काम है, ये वाला सही। ये कौन सा है? ये भी पाइनएप्पल है, यहाँ पे तो होना चाहिए ड्रोन। हाय गाइस, दिस इज ख्वाजा औरंगजेब और आज के व्लॉग में हम कुछ मुनफरद करने जा रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी सिट्रस फार्मर जो कि कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में फार्मिंग कर रहे हैं, और आज मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगा और उनसे इन्फॉर्मेशन लूंगा कि कैसे उनकी सिट्रस फार्मिंग की प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में फार्मर्स को हेल्प आउट कर सकती हैं। अच्छा अवेश, आप यहाँ पर कितने टाइम से ऑस्ट्रेलिया में फार्मिंग कर रहे हैं? मैं श्री मैं जबरदस्त, मेरा होम टाउन है लेटन, जहाँ पे हम खड़े हैं। वालिद साहब मेरे 98 में आए हैं, सही, और फिर उससे ये कि वहाँ से उनका सफर शुरू हुआ, यहाँ पर मेहनत मजदूरी की, और अलहमदा हमारे इस वक्त 6 फार्म है। जबरदस्त, टोटल 250 एकड़ का रकबा। पर एकड़ आपकी कितनी यील्ड प्रोड्यूस होती है? देखें, आई विल ट्राई टू बी एज जेन्युइन एज आई कैन, 20 से 25 टन पर एकड़ आप निकाल सकते। अपने फार्म से 20 से 25 टन पर एकड़ निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे बताएं कि किस टाइप की फार्मिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं? कि हमारे पास जो जहाँ पे हमारे फार्म हैं तो हमारे पास दो टाइप ऑफ सॉइल थे। सही, जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं तो ये हमारी क्ले सॉइल है। सही, और ये हमारे एरिया में और बल्कि पूरे रिवरीना में गोभी हिल की जो सॉइल है बड़ी मशहूर है, जो अच्छी ग्रोथ होती है, स्टैगर्ड ग्रोथ होती है। सही, क्ले सॉइल में यूजुअली स्टैगर्ड ग्रोथ होती है। सही, लिहाजा यहाँ पे हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं। ओके, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हमारी जो स्पेसिंग्स आजकल जिस पे ये सारा लगा हुआ है तो उसमें हमारी 6x8 है, यानी पौधे से पौधा 6 फुट है और रो से रो 8 फुट। 8 फुट है, ठीक है। और इस ये सारा जो है ना, इसकी इरिगेशन का जो सिस्टम है वो सारा ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है। ओके, जिसमें पानी की भी बचत है और अपने वक्त की भी बचत है। कितना टाइम हो गया आपके इस फार्म को एग्जिस्ट करते हुए? कुछ फार्म्स जो हैं, कुछ जगह पे हमने बिल्कुल न्यू प्लांटेशन की हुई है, कुछ 7-8 साल के हैं। ये वाले हमारे पौधे 8 साल के हैं। आप जब पौधा लगाते हैं और खासकर इस जमीन पे जो स्टैगर्ड ग्रोथ है, 3 साल तक तो को आपको कोई बेचने वाली क्रॉप नहीं मिलती। इस तरह की वो कलर भी नहीं होता और इस तरह का साइज भी नहीं बना पाता, मार्क्स और दीगर चीजें होती हैं क्योंकि पौधा ग्रोथ में होता है। सही, 3 साल के बाद ये कि फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ईयर बाई ईयर आपकी क्रॉप बढ़ती है। क्या गलतियां आपने पाकिस्तान में देखी जो वो कर रहे हैं, जो वो चीज़ें आपसे सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको डिटरमिन करना है कि आपकी सॉइल टाइप क्या है और आपकी सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। सही, ऑस्ट्रेलिया के मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की टॉप सॉइल में। पाकिस्तान में वी हैव द बेस्ट लैंड फॉर सिट्रस। हमारे कुछ फार्म्स हैं जहाँ बिल्कुल रेतली ज़मीन है। सही, जहाँ हमने सुबह भी वहाँ पे हम गए थे, हमने देखा सारा। हाँ, अब वो रेतली ज़मीन है, वहाँ पे विगरेस ग्रोथ है। यहाँ पे हम 6x8 पे लगा रहे हैं, हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, और इधर हम कह लें कि पर एकड़ 750-700 पौधा हम एकड़ में लगा। बेसिकली जो हमारा काजल वाला एरिया है जहाँ पे सैंडी सॉइल है, चूँकि वहाँ पे सैंडी सॉइल का ये कि विगरेस ग्रोथ होती है, पौधा 2-3 साल में क्या कद निकालता है, क्या ग्रोथ करता है। ओके, ठीक है। पानी तो इसमें कोई शक नहीं है कि पानी वो बेइंतहा जमीन खींचती है। सही, लेकिन उसका फायदा ये है कि वहाँ पे विगरेस ग्रोथ बड़ी होती है। तो वहाँ पे हम 8x12 करते हैं, पौधे से पौधा 8 फुट और रो से रो 12 फुट। ठीक है, ठीक है, फर्क है काफी सर, बिल्कुल। वहाँ पे थोड़ी सी पहले, सबसे पहले आप अपनी सॉइल डिटरमिन करें। सॉइल डिटरमिन होने के बाद हमें पता लगता है कि वहाँ पे किस तरह की हम प्लांटेशन कर सकते हैं, कितनी हाई डेंसिटी तक जा सकते हैं। सही, द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग इन पाकिस्तान, सिट्रस फार्मिंग इन पाकिस्तान,
हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में क्या वजह है कि हाई डेंसिटी अभी तक जो है वो अडॉप्ट नहीं हुई? देखें पाकिस्तान में ना वहाँ पे थोड़ी सी इस मामले में लाशौरी है। सही, आपको अपने ट्रीज तक एक्सेस चाहिए पूरी की पूरी। सही, पाकिस्तान में क्या करते हैं कि हमने दरमियान में भी कोई फल कोई फसल लगा ली, हम सालाना तौर पे हेजिंग करते हैं। हेजिंग क्या होती है कि हमने ऊपर से भी ट्री को काटना है और साइडों से यानी दरमियान में भी ट्री को काटना है। ओके, उसके लिए 110% एक्सेस चाहिए। सही, साल में हमने कई मौके पर यानी 5 से 6 महीने ऐसे होते हैं कि हर महीने में स्प्रेज हो रहे होते हैं खाद डालने के लिए। हमारी खाद मशीनों से जब डलती है इवनली डलती है, हमें पता होता है 1 एकड़ में हम कितना डाल रहे हैं। सही, जिस वक्त पाकिस्तान में फार्मर्स माइंडसेट डाल देंगे कि हमने अपनी कमर्शियल मार्केट्स को टच करना है और अपनी सिट्रस को कमर्शलाइज करना है, तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन से आप अपने ट्रीज तक एक्सेस भी बेहतरीन, यानी आपको अपना ऑर्चर्ड बनाना है। ऑर्चर्ड बनाना है, बिल्कुल। सेकेंडली हमारे पाकिस्तान में फार्मर्स कंसर्न होते हैं, आप हर साल जब शाखों को काट रहे हैं, हाँ, यानी हम बिल्कुल बराबर, हमने बेसिकली यहाँ पे जिस तरह घरों की छतें होती हैं ना इस तरह, तो हमने बिल्कुल इस तरह ऊपर से रखा होता है और साइडों से बिल्कुल सीधा करते हैं, एक प्रॉपर शेप में रखा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर आप सारा कुछ काट रहे हैं तो आता क्या है उसमें? देखें जब आप काटते हैं तो पौधा फोकस और उसका ऑटोमेटिक फोकस हो जाता है कि उसने अंदर की तरफ फल देना है, और सबको पता है कि अंदर की तरफ एक तो ट्री ज़्यादा अच्छी क्रॉपिंग करता है और सेकेंडली वो फल साफ होता है, सनबर्न से एक्सपोज नहीं होता। पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी है, लेबर की अवेलेबिलिटी है, सस्ता है लेबर, सारा कुछ है। हाँ, तो अगर आप खुद इमेजिन करें कि हम यहाँ की हमारी प्रॉफिट देखें कि हम कितना निकाल रहे हैं, बिल्कुल, और हमारे खर्चे देखें, पाकिस्तान में 25% ऑफ एक्सपेंसेस भी नहीं है जितने हम यहाँ पे कर रहे हैं। सही, लिहाजा अगर इसी तरह की फार्मिंग पाकिस्तान में आ गई तो आप फिर खुद सोचें कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, बहुत बेतहाशा हो सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे वैरायटीज के बारे में बताएं कि आप कौन कौन सी वैरायटीज अपने पास आप खुद उनकी काश्त कर रहे हैं, और वो कौन सी वैरायटीज होंगी जो आपसे अगर कोई 4 या 5 टॉप वैरायटीज पूछी जाएं जो पाकिस्तान में आप यहाँ से वो वैरायटी पाकिस्तान वालों को रिकमेंड करते हैं कि वो वहाँ पे ग्रो करें और इस हद तक बेतहाशा मुनाफा कमाएं? देखें मैं तो चाहूँगा कि आप एक तो कोई भी फार्मर हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहेगा पाकिस्तान में तो जरूर हमारा कांटेक्ट होगा इस वीडियो में की तरफ। तो बेसिकली पहले तो फार्मर ये डिटरमिन करे कि उसका मकसद क्या है, ठीक है? सही, अगर उसको जूसिंग के लिए वैरायटीज चाहिए, हाई क्रॉपिंग वैरायटीज जो जिनका यानी उसका बेसिकली पर्पस ये है कि उसने जूस मार्केट के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है। सही, तो हमारे पास एक वैरायटी है जिससे हम पाइनएप्पल खिलाते हैं, ठीक है? वो एक नई वैरायटी हम लेके आए हैं, या हमारी वैलेंसिया वैरायटी, ये 2 वैरायटीज इस तरह की हैं, गर्मियों में तैयार होती हैं, यानी हमारा मौसम बहार और गर्मियाँ। सही, ये हाई क्रॉपिंग वैरायटीज होती हैं, इन्होंने फल देना ही देना है, उन्होंने बेतहाशा हर साल फल देना है। अगर आप एक फार्मर कहता है कि जी ठीक है मैं चाहता हूँ कि मैं चाइना की या मैं किसी फॉरेन कंट्री की एक्सपोर्ट मार्केट को टच करना चाहता हूँ, सही, तो फिर हम रिकमेंड करेंगे कि हमारे पास नेवलिना जो वैरायटी जितनी हमारी सर्दियों वाले फल है नेवल्स हैं, हाँ, जिनकी थिक स्किन होती है, हार्ड स्किन होती है, ठीक है, सही, लॉन्ग लास्टिंग होता है, आप यहाँ से एक हमारा माल्टा जो नेवल वाला है वो उतार लें, सही, और अपने घर में 2-3 महीने के लिए रख लें, फ्रिज में ना रखें ऐसे ही रख लें, हाँ, खराब नहीं होता। खराब, हमारे पास 10 से ज़्यादा वैरायटीज हैं, ज़बरदस्त, जिसमें अगर आप लेमन्स की बात करें लीमो की, तो लीमो में हमारे पास जो वैरायटी है यूरिका लेमन, साल में 2 बार फल देते हैं, ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त। अब साल में 2 बार फल देता है तो हमारे 2 साल के 2 महीने तो लेमन्स में चले गए, 2 महीने लेमन्स में चले गए। उसके बाद हमारे वैलेंसिया पे आ जाए, सही, हमारा वैलेंसिया जो है जो गर्मियों वाला कीनन वैलेंसिया वो तैयार हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ऑस्ट्रेलिया की गर्मी, ऑस्ट्रेलिया की गर्मी है, सही, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से अप्रैल तक हम इसमें ऑक्यूपाई हैं, सही, ठीक है, 5 महीने तो ये गए, सही, 5 महीने और 2 महीने लेमन्स के, 7 महीने ये हो गए, 7 महीने आपके। अब आप आ जाए अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, सही, ये जो 4 महीने हैं इसमें हम अपना नेवल करते हैं, जो भी हमने वाशिंगटन अपना पहला फिनिश किया है
और उसके बाद फिर लेंस वैरायटी है वो हम यानी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा ऑक्यूपाई, और फिर इसके बाद मैंड्रीन्स, जिस तरह का पाकिस्तान का किन्नू है हमारे पास एक छोटा वर्जन है उसका, जबरदस्त, जिसे मैंड्रीन कहते हैं, सही, बड़ा मीठा होता है, लेकिन उसकी स्किन चूंकि बहुत डेलिकेट है लिहाजा वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो लोकल मार्केट में ही जाती है, सप्लाई हो जाता है। ओके, अगस्त तक, अगस्त या मिड सितंबर तक ये हमें खींच देते हैं, सही। इसके बाद आपके पास रह गया सितंबर अक्टूबर, ये दो महीने रह गए। बिल्कुल, इन दो महीनों में हमारे पास जो है ये जो हमारे पीछे है वैरायटी, अर्ली समर वैलेंसिया, सही। और इसकी खासियत ये है कि ये सीडलेस है। ओके, ये सारे का सारा ही एक्सपोर्ट होता है, सही, जबरदस्त। तो ये जब सारा, तो आप ये खुद देख लें कि हमारे पास 12 महीने तो राई हो रही है, बिल्कुल 12 महीने हमारा कैश फ्लो चल, ये 8 साल के पौधे, आप अपना खुद अंदाजा लगाएं कि जब इन्होंने 12 साल या 15 साल या अपने बेहतरीन जोबन 15 से 20 साल पे आ जाना है तो जगह क्या रह जानी है पीछे। एग्जैक्टली, ठीक है, गुजरनी की होगी अगर पाकिस्तान में, अगर वो हेजिंग की, देखिए सब अफोर्ड नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी हेजिंग की मशीन होती हैं, छोटी वाली ले लें, ठीक, सही, क्योंकि लेबर वहाँ सस्ती है, लेबर सस्ती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस तरह के किसान है जिसके पास 20 एकड़ है वो 4 डिफरेंट वैरायटीज ले ले, 5-5 एकड़ पे लगा ले, सही, ठीक है, सही। उससे कम अज कम ये है कि उसके साल के 4 यानी क्वार्टर्स इनकम तो आ रही है ना। इन पौधों की वैसे लाइफ कितनी है? हमारे पास एक ब्लॉक था तकरीबन कोई 8 किले का, वो जो वैरायटी है वो तकरीबन कह लें कि 40 साल से ऊपर ही थी उसकी उम्र, ठीक है, एक 1.5 साल से यानी 1 साल उसका डिक्लाइन हुआ क्वाइट सिग्निफिकेंट, सही। 12 टन हमने एकड़ निकाला उस साल। मैंने 2-3 यहाँ पे जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं इस मामले में उनसे मशवरा किया, कुछ ने कहा निकाल लें नए लगा लें, तो कुछ ने कहा कि काट दें बिल्कुल इनको, इसको बिल्कुल यानी ख़त्म। तो 12-13 फुट के पौधे हम ले जाए कुछ 4-5 फुट पे, सही, ठीक है, 2-2 शाखें उनकी, अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसी ग्रोथ हुई है उस पर, सही, यानी एक तरह से उसकी जो बुनियादी शाखें हैं वो एक तरह से नई ब्रांड न्यू निकल आ रही है, निकल आ रही है बिल्कुल। तो कलर वाइज बड़ा प्यारा रंग, यानी बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर, और इस साल उसका पहला फल था काटने के बाद, यानी 1 साल तो फल ही नहीं था क्योंकि ना आपने काट दिया, तो इस साल उसका पहला फल था, बहुत आला साइज था, बहुत साफ खूबसूरत, सही फल,